हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एनडीए क्या है, इसे कैसे करें, कहां से प्रारंभ करें, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। यदि आप ऑलरेडी यह वीडियो देख चुके हैं तो इसकी तैयारी प्रारंभ करने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। तो आइए जानते हैं एनडीए क्या है। एनडीए भारत के टॉप पोस्ट में से एक है। अगर आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या नेवी ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको एनडीए से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट बातें पता होना चाहिए, क्योंकि बिना इसकी जानकारी के लिए आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। एनडीए एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले या अगर आप भर चुके हैं तो उसके बाद इसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि एनडीए क्या है, कैसे करें, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी यानी योग्यता होना चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो आज के इसी के वीडियो में हम आपको बताना प्रारंभ करते हैं। 12वीं पास करने के बाद अक्सर बहुत से स्टूडेंट आगे कैरियर में क्या बनना है ये डिसाइड नहीं कर पाते। कुछ लोगों को पहले से स्कूल में पढ़ाई करते वक्त ही सोच लेते हैं कि आगे जाकर क्या बनना है और उसी हिसाब से पढ़ाई भी करते हैं, ताकि आपको आगे जाकर किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई दिक्कत न हो, आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर ले और आप जो पढ़ना चाहते हैं उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो आपके मैथ सब्जेक्ट को काफ़ी स्ट्रांग बनाना होगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एनडीए क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और एनडीए ज्वाइन करने के बाद हम क्या बन सकते हैं और कैसे एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। एनडीए, जिसका पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहते हैं, जहाँ पर इंडिया के तीन पॉपुलर सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में जाने से पहले एक एग्ज़ाम लिया जाता है जिसे पास करना होगा, जिसे हम एनडीए कहते हैं। अगर आपको भारत की सेवा के लिए थल सेना, वायुसेना, नौसेना में जाना है तो इन सेवाओं में जाने के लिए हर दो बार एनडीए के एग्ज़ाम होते हैं और वे यूपीएससी करवाती है। लेकिन इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए कुछ शर्तें यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। आइए जान लेते हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहले अविवाहित यानी अनमेरिड होना चाहिए तथा आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। नंबर टू, इंडियन आर्मी के लिए 12वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। नंबर थ्री, इंडियन एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। नंबर फोर, फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। फाइव, आपकी उम्र 16.5 से 19 वर्ष होनी चाहिए। एज लिमिट यूपीएससी की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। नंबर सिक्स, आपकी लंबाई 157 सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो ये रही एलिजिबिलिटी की, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए। एनडीए एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। यदि आप एनडीए एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, इसके सिलेबस वाइज मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया हूँ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश एंड सामान्य ज्ञान ये सब पूछा जाता है। इन सभी की तैयारी मैं स्टेप बाय स्टेप बनाना प्रारंभ कर दिया हूँ। अगर आप पहले चैप्टर से देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देखना प्रारंभ कर दीजिए, हमारे साथ साथ चले। हम अगर एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो एक चैप्टर को क्लियर करें, दूसरे चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो दूसरे चैप्टर को क्लियर करें। इस आई बटन पर क्लिक करके आप देखना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए एनडीए और नेवी में कौन कौन सा सिलेबस है, किसके अनुसार हमें पढ़ाई करना चाहिए, चलिए हम बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मैथ्स। मैथ में आपको 30 अध्याय यहाँ पे मिलेंगे। चलिए बारी बारी से हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है समुच्चय सिद्धांत, संबंध एवं फलन, सम्मिश्र संख्याएं, द्विगुणक संख्याएं, अनुक्रम श्रेणी, ये सभी आपको 30 अध्याय पढ़ना पड़ेगा, तब आप मैथ्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ये सारे सिलेबस देखना चाहते हो तो पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड आता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, जिसमें 8 आपको अध्याय कंप्लीट करना पड़ेगा, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड करके इसे आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आती है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आता है।
भौतिक विज्ञान में देखेंगे तो यहाँ पे आपको अध्याय मिलेंगे मापन व यांत्रिकी, कार्य ऊर्जा और शक्ति, द्रव्यमान केंद्र और घूर्णन गति, ये सभी मिलाकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भौतिक विज्ञान के कम से कम 14 अध्याय आपको मिल जाएंगे। बात करें केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में आपको मैक्सिमम 11 अध्याय मिलेंगे जिसे आपको तैयारी करना पड़ेगा, जैसे भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन, तत्व मिश्रण एवं यौगिक, ये सभी आप मिलाकर रसायन विज्ञान में 11 अध्याय को कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं जीव विज्ञान में आपको 10 अध्याय कंप्लीट करने होंगे, जैसे सजीव जगत में विविधता, कोशिका तथा कोशिका विभाजन, ये सब मिलाकर 10 अध्याय कंप्लीट करना होगा। अंत में आता है सामान्य अध्ययन में जीके पूछा जाता है, जो इतिहास से होगा, भूगोल से होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था से होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से होगा और सामान्य ज्ञान इसमें पूछा जाएगा, साथ में करंट अफेयर भी आपका आ सकता है। तो ये रही इस NDA NA का सिलेबस, तो सिलेबस तो आपने देख लिया, इसी सिलेबस के अनुसार मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आपको बताते कि परीक्षा की पद्धति कैसे होगी, कितने प्रश्न किसमें पूछा जाएगा, कितने अंक का हमें पूछा जाएगा, कितना समय दिया रहेगा। तो परीक्षा की पद्धति आप देखिए, गणित 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2.5 घंटे का होगा, केवल गणित का 300 अंक निर्धारित रहेंगे। बात करते हैं सामान्य योग्यता परीक्षण में, तो भाग ए है अंग्रेजी जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाग बी है सामान्य अध्ययन इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 2.5 घंटे का होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 2.5 घंटे का इधर, 2.5 घंटे का इधर, 120 क्वेश्चन वो है और ये 150 क्वेश्चन इस तरह से है। अब इसमें 200 अंक अंग्रेजी के लिए और सामान्य अध्ययन के लिए 400 अंक, टोटल 900 अंकों का परीक्षा होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या इसमें नकारात्मक निगेटिव मार्क भी होता है। चलिए, परीक्षा के लिए सभी विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, प्रश्नों के गलत उत्तर देने के लिए दंडनात्मक रूप भी मौजूद है जिसे नकारात्मक कहते हैं। जैसे गणित में अगर आप गलत करते हैं एक प्रश्न, उसमें आपको 0.83 माइनस मार्किंग दिया जाएगा। फिर अगर अंग्रेजी में गलत करते हैं तो -1.33 माइनस मार्किंग किया जाएगा। बात करते हैं सामान्य योग्यता में, तो उसमें -1.33 माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। ठीक, पहला स्तर अधिकारी बुद्धिमता दर्जे का परीक्षण और चित्र बोध और विवरण परीक्षण होगा। दूसरा स्तर होगा साक्षात्कार, समूह वार्ता और मनोविज्ञान का परीक्षण होगा। तो ये रही परीक्षा की पद्धति की किस प्रकार से परीक्षा आपका किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि NDA क्या है, हमें क्या सिलेबस दिया गया है और हमारे परीक्षा में कितने प्रश्न आएंगे, कैसे हम करेंगे। सब कुछ समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आई बटन पर क्लिक करके आप तैयारी प्रारंभ कर दीजिए ताकि हम आपकी तैयारी जल्द से जल्द करा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।